गोपनीयता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप बलमोचू दिल्ली में प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने दीपक प्रकाश के तुष्टीकरण वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमर ने। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमोचू जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार में दो दल शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी और झामुआ, दोनों तुष्टीकरण की नीति अपनाई हुई है और दोनों में होड़ मची हुई है। देखिए, जो बीजेपी के अध्यक्ष जो कह रहे हैं, ये सचमुच में ये आचरण बीजेपी का है, वही तुष्टीकरण की राजनीति करें यार, ये हम नहीं बोल रहे, पूरा देश जानता है। और आज कहीं ना कहीं अब अपना भाषा बदल रहे हैं, आप विकास की बात करें, विकास तो आपने किया ही नहीं, आप तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से की है, उसी की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो अभी जो चुनाव हुए हैं जो 5 राज्य में, उसमें जो आपको सत्ता मिली है कहाँ से मिली है? इसी 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 रास्ते के माध्यम से आप सत्ता हासिल किए हैं। और आप हमको आरोप लगा रहे हैं, हम तो हर समय सेकुलर रहे हैं और आज भी सेकुलर, आने वाले समय भी सेकुलर रहेंगे। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि आप इससे बेहतर होता कि आप विकास के लिए आगे बढ़ते और दोनों में होड़ मचाते, और आप एक समुदाय, एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने की होड़ में अब लगे हुए हैं। नहीं, पूरी तरह से ये जो बीजेपी कर रही है उसी का बखान वो कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, ये उन्हीं का ही ये खेल है। और कहीं पर भी कांग्रेस हर समय सबको लेके चलने की बात करती है, कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोगों को लेके चलेंगे, सबको लेके चलने की नीति है। और इसीलिए कांग्रेस आज तक सब जात धर्म के बीच में पॉपुलर है। और हमको लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग का दिन बदलेगा, और ऐसा नहीं है कि जनता देख रही है, बहुत दिनों तक ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, जरूर करवट बदलेगा और उसके बाद बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, एक सवाल है कि विधानसभा में लगातार 1932 का मामला जो उठाया जा रहा है, जो खतियान की बात कही जा रही है। देखिए, वहाँ एक भाषा और खतियान की बात चल रही है काफ़ी दिनों से, और हमको लगता है ये बड़ी ही संवेदनशील मामला है। और हमको लगता है कि अभी तक हम लोग ने इस पर कोई लाइन नहीं लिया है। हमको लगता है अभी आज हम दिल्ली में हैं, हम प्रयास करें कि प्रभारी से भी इस विषय पर बातचीत करें कि कोई भी एक निर्णय ले, ताकि जहाँ भी हमारे नेता हैं, जो भी पदाधिकारी जहाँ बैठे हैं, वो उस लाइन को पकड़ कर आगे बढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इशू उठते हैं, चाहे 32 की बात करें चाहे भाषा की बात करें, तो कहीं ना कहीं नेताओं को फेस करना पड़ता, जवाब देना पड़ता आखिर पार्टी की लाइन क्या है। तो हमको लगता है कि एक लाइन हम लोग को तैयार कर लेना चाहिए, और हमको लगता है बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर मुलाकात हो जाएगी तो जरूर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमोचू जी, इनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।